कृषि मंत्री के हक में सीएम खट्टर ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर जिले के बादली हलके की चुनावी रैली में हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को अपना व अपनी पार्टी का परिवार बताया है। सिलानी गांव में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए सीएम ने कहा कि यदि इस चुनाव में बादली की जनता ने अपना दम दिखाया तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई कदम उठाते हैं तो वह कदम उनके लिए मार्गदर्शन बन जाता है। जाना का मौका मिल गया था, सबका आशीर्वाद लिया मैंने। 1200 सभाएं हुई, 20 लाख लोगों के दर्शन हुए, एक बहुत बड़ा मंथन हरियाणा का हुआ और उसमें हरियाणा की जनता ने एक पर्याप्त स्नेह, प्यार, प्यार, अपना आशीर्वाद ये सब दिया और एक अच्छा वातावरण हरियाणा का इस समय भारतीय जनता पार्टी के बारे में बना है। और उसके अगर हम विचार करेंगे उस सारे हालात को के लिए वातावरण अच्छा बना तो किन कारणों से बना है, जैसे 2014 में हरियाणा की जनता ने आप समेत पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था और बहुमत में हमने सरकार बनाई थी। 5 साल हमने लगातार पीछे मुड़के नहीं देखा। हरियाणा की जो 2.5 करोड़ की जनता हमारी, बल्कि इसको मैं जनता ना कह करके मैं कहूंगा ये मेरा 2.5 करोड़ का परिवार है। मोदी जी ने एक ही बात कही, उनका भ्रष्टाचार को भी इस देश को खत्म करना है तो शुरू अपने से करूंगा। उनका कि ना खाऊंगा और ना खड़े दूंगा। हमने तो आज एक और बात कही है, वो कि ना खाएंगे ना खाने देंगे और गलत ढंग से जितना भी पिछले लोगों ने खाया पिया है उसको भी निकाल के लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये जनता का माल है, जनता की संपत्ति है, कैसे वो निकाल के भ्रष्टाचार करके अपने घर में डाल लेगा। आखिर ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान गरीब जनता को होता है, सबसे ज्यादा विकास में बाधा इस भ्रष्टाचार के कारण से होती है। हमने सब रास्ते ठीक कर दिए, भ्रष्टाचार बहुत मात्रा में खत्म किया है। हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, आज भी कहीं नीचे अड़ा हुआ है। तो अगले 5 वर्ष की योजना में ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भ्रष्टाचार करनी है भूल जाएंगे, भाइयों बहनों भूल जाएंगे, आपके हवाले कर देंगे भ्रष्टाचारियों को, जो मर्जी है उनका करना ये आपके हवाले करेंगे। हम जनता में भी कुछ ऐसी कमेटियां बनाएंगे, उनका अधिकार देंगे कि भ्रष्टाचार करनियों को वहीं पकड़ लो, वहीं सजा दे दो। बहनों, हमें प्रेरणा मिलती है अपने देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विषयों पर कई बार ऐसी सटीक टिप्पणी करते हैं कि हमारे लिए वो एक मार्गदर्शन बन जाता है, हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। मुझे याद है 6 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मीडिया के एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने। तो भाई बहनों, उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही और हमको बड़ी छू गई। वो कहने लगे, देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो ये जो मेरी बिरादरी है ना, बिरादरी कौन, राजनीतिक नेताओं की बिरादरी, जाति वाली बिरादरी नहीं, राजनीतिक नेताओं वाली बिरादरी, इसकी छवि बहुत धूमिल है, मुझे इसको उज्जवल करना है, इसको साफ करना है, इस छवि की सफाई करना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, अभी मेरा इतना ही कहना है कि दिन बचे हैं 5 और इन 5 दिनों में विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, इनेलो के लोग या इंडिपेंडेंट कोई भी आएंगे आपको बहकाएंगे। बहकने में आप लोगों ने सावधानी बरतनी है, किसी झूठी बात पर भरोसा नहीं करना है। क्यों, कहने को चाहे कुछ भी कर दे, संकट तो होता है विश्वास का। हमको ये मालूम है कि आज हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी पर तो सब कोई विश्वास करेंगे, कांग्रेस पर इनेलो पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का राजकाज किया, जैसे लूटा पीटा, ये हम सबको मालूम है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमारे काम में और उनके काम में आपको फर्क साफ दिखेगा, फर्क साफ दिखेगा। क्यों फर्क है, क्योंकि नियत, हमारी नियत साफ है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ जो लोग आए हैं, अपने आसपास के सब लोगों में भी सबको बताना कि आने वाले 21 अक्टूबर को ज्यादा ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से अपने ओम प्रकाश जी धनखड़, इनको हमने भारी मतों से जिताना है। अपने मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी,
साथ काम करने वाले। और भाई इस विधानसभा में तो हम उपराजी धनखड़ के सामने वाला कमल का बटन दबाएंगे, बाकी सब विधानसभा में भी मैसेज भेजो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान ये ध्यान रखना है। और ये जो ईवीएम मशीन का नाम, इस मशीन के नाम की व्याख्या भी अलग प्रकार से मन में धार लो। ये धार लो ईवीएम मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। अगर कोई ये कह दे कि इस बार तो लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये तो विधानसभा के चुनाव है, तो मैं नारा बदल देता हूँ एवरी वोट फॉर मनोहर।